लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बनारस से मोदी के खिलाफ नीतीश लड़ेंगे चुनाव। राजनीति में दो लहरें होती है, पक्ष और विपक्ष। इन दोनों लहरों में एक समानता होती है कि ना तो किसी की दुश्मन होती है और ना ही दोस्त। जब जिसे जहां मौका मिलता है उस लहर में जाकर मिल जाता है। बिहार की राजनीति भी इसी समीकरण पर चलती है। पहले बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार बिहार विधानसभा का चुनाव आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, जीते भी और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान भी हुए। फिर कुछ महीने शासन चलाने के बाद अंतरात्मा की आवाज सुनकर आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के हो लिए और फिलहाल बिहार की कमान संभाल रहे हैं। अब कहानी यहां से फिर से शुरू हो रही है। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में सब अपनी अपनी रणनीति बनाने में लग गए हैं। बीजेपी जेडीयू के बीच सीट को लेकर टकराव की स्थिति मच गई है। कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर अपना पाला बदल सकते हैं और आरजेडी के साथ जा सकते हैं। लेकिन आरजेडी उन्हें फिर से अपनाएगी क्या? फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने देगी? शायद नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो जेडीयू के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। फिर नीतीश लालू मुलाकात के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? हालांकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि मुलाकात और बातचीत स्वास्थ्यगत कारणों से हो रही है। लालू बीमार हैं, इसलिए उनसे बातचीत की गई है। लेकिन वाकई ऐसा है? कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर नीतीश राज्य नहीं केंद्र का चेहरा बनते हैं तो आरजेडी उनके सपोर्ट में आ सकती है। फिलहाल महागठबंधन में मोदी को टक्कर देने के लिए कोई चेहरा मौजूद नहीं है। अगर नीतीश केंद्र की राजनीति करने उतरते हैं तो महागठबंधन का साथ मिल सकता है। इसके लिए नीतीश को बनारस में मोदी से भिड़ना होगा। अगर नीतीश मोदी के खिलाफ 2019 में बनारस से विपक्ष के प्रत्याशी बनते हैं तो पूरा विपक्ष उनका समर्थन कर सकता है। इतना ही नहीं, केजरीवाल भी बनारस से चुनाव लड़ने का इरादा बदल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पीएम मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बनारस के जातीय समीकरण को देखा जाए तो नीतीश एक बेहतर विकल्प हो सकता है। नीतीश बनारस से चुनाव लड़कर विपक्ष में वहां खड़े हो सकते हैं जहां अभी कोई चेहरा नजर नहीं आता। हालांकि यह महज संभावना है, क्योंकि राजनीति में संभावना कब हकीकत में बदल जाती है कोई कह नहीं सकता है। लोकसभा चुनाव में ऐसी कई तस्वीरें सामने आएंगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि ये भारतीय राजनीति है जहां मिलना टूटना लगा रहता है। प्यार धोखा सब यहां जायज है।